हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। आप ओप्पो का A38 खरीद तो लाए हैं, लेकिन जिस वक्त आप खरीद रहे थे तो बहुत जल्दी में थे, शायद आपको पूरे फीचर नहीं बताए गए। अब तो आप फुर्सत में, अब आपको इस वीडियो से आपके हाथ में जो मोबाइल है उसके सारे फीचर पता चल जाएंगे, और मैं 10 ऐसे फीचर बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप मोबाइल को प्रॉपरली यूज करने लगेंगे। अब आप ये जरूर कहेंगे, अच्छा हमको सिखा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप सही तरीके से अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं और जानते हैं टॉप 10 फीचर्स ऑफ दिस ओप्पो A38। ओप्पो A38 में टॉप 10 फीचर्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है स्क्रीन पर एप्लीकेशन आइकन को कस्टमाइजेशन। सेटिंग आइकन पर टैप कीजिएगा, वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऑप्शन में जाएं, यहां से आप आइकन के ऑप्शन को चूज कीजिएगा। आपके मोबाइल पर ये विंडो आ जाएगी, यहाँ से आप आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं, मटेरियल स्टाइल चूज कर सकते हैं, पेबल स्टाइल चूज कर सकते हैं, कस्टमर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ सर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं कस्टमाइजेशन के लिए। आप फोरग्राउंड जो कॉर्नर है उनको शार्प कर सकते हैं, उसके बाद जो फोरग्राउंड है उसे आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर प्रीव्यू विंडो में आपको शो भी करेगा। आइकन के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो ऐप नेम यदि शो ना हो तो इस ऑप्शन को आप बंद कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है थीम कस्टमाइजेशन। थीम के ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहाँ पर आपको डिफॉल्ट थीम मिलेगी। थीम स्टोर ओपन करके अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी फ्री थीम को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पुल डाउन जेस्चर। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के ऑप्शन पे आप टैप कीजिएगा, यहाँ पर आता है आइकन पुल डाउन जेस्चर, जो कि बहुत ही काम का फीचर है। इस फंक्शन को आप ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद में मोबाइल को जब आप इस्तेमाल करेंगे सिंगल हैंड से, आप कॉर्नर से आप हल्का सा ड्रैग अप कीजिएगा, आपके मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशन आइकन है सब आपके फिंगर पे होंगे। जिस भी फिंगर पर आप जाकर रिलीज करेंगे सेम एप्लीकेशन आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी। दोनों कॉर्नर से आप कर सकते हैं, आप यहाँ से चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, फ्रंट से चाहते हैं लेफ्ट से या राइट से, जो भी चाहे। अब जैसे कि मैंने अमेजोन पे जाकर यहाँ पर रिलीज किया तो यहाँ पर अमेजोन ओपन हो गया है। इस तरीके से आप आइकन पुल डाउन जेस्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लॉक स्टाइल। उसके लिए मोबाइल के सेटिंग आइकन पर टैप करें, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे यहाँ पर आपको क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप वर्टिकली क्लॉक चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल क्लॉक चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। 5th नंबर पर आता है कस्टमाइज डार्क मोड। इसके लिए आपको मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन पर टैप करने के बाद में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको लाइट मोड दिखेगा, यहाँ से आप डार्क मोड चूज कर लीजिएगा। शेड्यूल करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप सनराइज टू सनसेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइम को कस्टमाइज कर लें, या फिर कस्टमाइजेशन के लिए आपको डार्क मोड सेटिंग यहाँ मिलेगी। यहाँ पर आपको 3 आपको थीम मिल रही है, आप मीडियम चूज करना चाहते हैं, एनहेंस यूज करना चाहते हैं या जेंटल यूज करना चाहते हैं, आपकी कॉल है। आप किसी भी को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। 6th नंबर पर आता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। स्क्रीन रिफ्रेश रेट के लिए आपको सेटिंग आइकन पर टैप करने के बाद में आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पर जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें, यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसको आप टैप कीजिएगा। यहाँ से आप हाई रिफ्रेश रेट और स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट, यानी कि हाई रिफ्रेश रेट 90Hz, स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60Hz चूज कर सकते हैं। ऑटो सेलेक्ट भी आप कर सकते हैं। 7th नंबर पर आता है वन हैंड ऑपरेशन, यानी कि वन हैंड मोड। इसके लिए एडिशनल सेटिंग में आप जाइएगा, यहाँ से जाने के बाद में आप वन हैंड मोड के ऑप्शन पर टैप करें। इस फंक्शन को जैसे आप यहाँ से ऑन करेंगे, उसके बाद में मोबाइल को आप डाउन साइड यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल कॉर्नर नीचे की साइड, यहाँ पर हल्का सा ड्रैप डाउन कीजिएगा, मोबाइल की स्क्रीन हाफ हो गई है। इस तरीके से आप मोबाइल की स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। यही नहीं, यदि आपने कोई एप्लीकेशन ऑन की हुई है और यहाँ पर भी आप इसे ड्रैग करते हैं तो भी आपकी मोबाइल की स्क्रीन हाफ हो जाएगी। इसे आप सिंगल हैंड में ऑपरेट कर सकते हैं। 8th नंबर पर आता है स्प्लिट स्क्रीन, यानी कि दो विंडो आप एक साथ कैसे चलाएं। उसके लिए सेटिंग आइकन पर टैप करें, उसके बाद स्पेशल फीचर के ऑप्शन पर जाएं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट स्क्रीन, यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्प्लिट स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद में जैसे मान लीजिएगा अभी मैंने यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन जैसे कि फोटो गैलरी खोली हुई है और यहाँ पर मैं स्प्लिट स्क्रीन यूज करना चाहता हूँ, तो सिंपली मुझे 3 फिंगर से अपसाइड करना है और मोबाइल के स्क्रीन पे जो स्क्रीन है देखिएगा यहाँ हो गई है, और उसके बाद में दूसरी किसी एप्लीकेशन को जैसे मैं फेसबुक ऑन करना चाहता हूँ तो दोनों एप्लीकेशन एक साथ ओपन हो गई हैं। उसके अलावा यदि मैं इस एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में ले जाता हूँ और यहाँ पर जो 3 डॉट आ रहे हैं इस पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में यहाँ से भी आप स्प्लिट स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फिर से
स्प्लिट स्क्रीन के लिए फेसबुक ऑन किया, तो देखिएगा यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइन्थ नंबर पे आता है ऐप लेआउट। जो आप मोबाइल में एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उस पर ऐप लेआउट कैसे डिजाइन करें, उसके लिए मोबाइल के स्क्रीन पे दो उंगलियों से आप पिंच कीजिएगा। यहाँ पे नीचे की साइड कुछ ऑप्शन आ गए हैं, जिसमें लेआउट के ऑप्शन पे आप जाएंगे। अभी मैंने किया हुआ है 4:6, जैसे ही मैंने 5:5 किया देखिएगा ऐप लेआउट चेंज हो गया है। 5:6 करूंगा ऐप लेआउट और चेंज हो गया है। इस तरीके से आप ऐप लेआउट को कस्टमाइज करके अपने मोबाइल को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्विक लॉन्च। क्विक लॉन्च किस चीज का, यानी कि आप अपने मोबाइल को कितनी जल्दी से कैमरे को लॉन्च कर सकते हैं। कैमरे आइकन पर टैप कीजिएगा, सेटिंग ऑप्शन में जाएं। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद में यहां पर आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और यहां पर आपको क्विक लॉन्च जेस्चर का ऑप्शन मिलेगा। इस फंक्शन को ऑन करते ही आप अपने मोबाइल में जो कैमरा है उसे बहुत ही फास्टली एक्टिवेट कर सकते हैं। मोबाइल का स्क्रीन लॉक है, उसके बावजूद भी आप मोबाइल में जो पावर की है, या वॉल्यूम अप और वॉल्यूम टी वॉल्यूम डाउन, पावर की के ऊपर जो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन यह हुआ है, इसको आप कंटिन्यूअसली 2 बार प्रेस करेंगे, मोबाइल के अंदर जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। चाहे आप वॉल्यूम डाउन करें वे वॉल्यूम अप कीजिएगा, मोबाइल का जो कैमरा है वो फास्टली एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा एक कंडीशन है इस फंक्शन के अंदर, यदि मोबाइल में आपका म्यूजिक चल रहा है तो उस वक्त ये फंक्शन काम नहीं करेगा, सिर्फ वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का ही काम करेगा। ये है टॉप 10 फीचर्स। तो अब आप ओप्पो के A38 के टॉप 10 फीचर्स तो जान चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बेस्ट शॉर्टकट्स क्या हैं? शॉर्टकट्स वो चीज है जिससे आप मोबाइल को फास्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने टॉप 5 शॉर्टकट्स डिटेल में बताए हैं, तो उसमें क्लिक करके आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी इस पर आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसी ढेर सारी अनबॉक्सिंग ऑपरेशनल वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।